इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है जो कंजर्व करने का प्रयास करती है प्रजातियों को। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज बनी है। तो इसमें पहली सोसाइटी हम देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN। ये स्वसंचालित आयोग 1948 में स्थापित हुआ है। इसका मुख्यालय मोरेसस स्विट्जरलैंड में है, जो वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तरीकों को तकनीकों को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरा सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व वन में कोष वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF के कार्यों के साथ समन्वय करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN। दूसरा जो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, CITES। यह एक इंटरनेशनल संघ है जिसके अनुबंध के लिए सभी देशों के लिए सदस्यता खुली हुई है। यह संघ भारत के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भागीदारी के लिए नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है। अगला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA। यह संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई। यह पर्यावरण का वायु, जल, ठोस अवशिष्ट विकिरण, कीटनाशकों, शोर आदि से परिरक्षण करती है, कंजर्वेशन करती है। अगला है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, ICSU। यह गैर सरकारी संगठन पेरिस फ्रांस में स्थापित है, जो वैज्ञानिक जानकारियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, एक्सचेंज को बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के उपचार में सामाजिक व राजनीतिक उत्तरदायित्व संबंधी तत्वों का अध्ययन कर रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो सन 1972 में स्थापित की गई है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह एजेंसी पर्यावरणीय मॉनिटरिंग तथा परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह भारत के अनेक पर्यावरणीय कार्यक्रमों में सहायता कर रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यह आयोग सन 1984 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा 1983 के अनुगमन पर कठिन पर्यावरणीय और विकास मुद्दों के पुनरीक्षण के लिए तथा उनके प्रस्ताव सूत्रबद्ध करने के लिए स्थापित किया गया। यह आयोग पर्यावरणीय मुद्दों पर व्यवस्थियों, इंडिविजुअल्स के प्रतिबद्धता तथा ज्ञान के स्तर, ऐच्छिक संगठनों तथा सरकारी कार्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है अर्थ वॉच प्रोग्राम। यह वैश्विक कार्यक्रम मानवीय पर्यावरण पर घोषणा के अंतर्गत सन 1972 में स्थापित हुआ। यह पर्यावरण प्रकृति को मॉनिटर करता है। इसकी क्रियाएं UNEP द्वारा समन्वयित रहती हैं। नेक्स्ट है मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB। इस कार्यक्रम की स्थापना 1971 में यूनेस्को द्वारा किया गया। यह निम्नांकित 14 परियोजनाओं पर कार्य करता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों तथा अन्य अनेक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण वन इकोसिस्टम पर बढ़ती हुई मानवीय क्रियाओं के पारिस्थितिक प्रभाव। दूसरा, शीतोष्ण एवं भूमध्य सागरीय वन दृश्य भूमियों, लैंडस्केप्स पर भिन्न भिन्न भूमि उपयोगों और प्रबंधन के पारिस्थितिक प्रभाव। तीसरा, ग्रेजिंग लैंड पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव तथा भूमि उपयोग प्रचलन पद्धति पर कार्य संपादन। चौथा, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश के
पारितंत्रों की क्रियाशीलता पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। पांचवा, झीलों, कच्छ नदियों, डेल्टा, ज्वारदमुख तथा तटीय प्रदेशों के मान तथा सभ्य संसाधनों पर मानवीय क्रियाओं के पारिस्थितिक प्रभाव। छठवां, पर्वतीय इकोसिस्टम पर मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव। सातवां, द्वीपीय इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी पर वेगपूर्ण उपयोग। आठवां, प्राकृतिक क्षेत्रों व इनके जीव पदार्थों के कंजर्वेशन। नवा, स्थलीय एवं जलीय परितंत्र पर पेस्टिसाइड्स एवं फर्टिलाइजर के उपयोग का इकोलॉजिकल वैल्यूशन मूल्यांकन। दसवां, मानव तथा उसके इन्वायरमेंट पर प्रमुख जो है इंजीनियरिंग कार्यों का प्रभाव। ग्यारहवां, नगरीय तंत्रों के ऊर्जा उपयोग पर विशेष महत्व सहित इकोलॉजी। बारहवां, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन तथा एडॉप्टेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एवं मानवीय पॉपुलेशन के जीनेटिक स्ट्रक्चर के बीच अन्योन्य क्रियाएं इंटरेक्शन पर। तेरहवां, पर्यावरणीय गुणवत्ता का आवागमन। और चौदहवां, बायोस्फीयर पर पर्यावरणीय प्रदूषण और इसके प्रभावों का अनुसंधान करना। इन सब पर ये मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम अपना कार्यक्रम कर रहा है। इसके अलावा एक अर्थ स्कैन का गठन किया गया है। इसकी स्थापना 1976 में यूएनईपी द्वारा की गई। यह पर्यावरणीय मुद्दों पर मूल लेखों को तैयार कर उन्हें समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के रूप में मुख्यतः विकासशील देशों में बेचता है अर्थ स्कैन। इसके अलावा जो है एक संधि हुई है जिसको हम नाम देते हैं रामासार संधि का, रामासार क्षेत्र। रामासार क्षेत्र ये ऐसा एक्चुअल में एक इंटरनेशनल महत्व की जो वेटलैंड से संबंधित एक अभी समय या संधि है। रामसार साइट एक्चुअल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड से संबंधित एक अभी समय या संधि है। यह वेटलैंड के सही प्रयोग और उसके कंजर्वेशन को सुनिश्चित करने की इंटरनेशनल संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को वे एक सम्मेलन में सम्मिलित देशों द्वारा वेटलैंड के कंजर्वेशन हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। यही रामसर संधि रामसर अभी समय कहलाती है। यह अपने अस्तित्व में 31 दिसंबर 1975 में आया। अभी तक विश्व भर की लगभग 2062 वेटलैंड को रामसर क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इनमें से 45 वेटलैंड को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क इनमें से एक है। इसी प्रकार से उड़ीसा का चिल्का झील जो उड़ीसा में है और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर पहले से ही 2 संरक्षित क्षेत्र थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट भीमबंद कोल वेटलैंड 1512 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर केरल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो है रामसर क्षेत्र भीमबंद कोल वेटलैंड है जो केरल में 1512.5 स्क्वायर क्षेत्र में विकसित है। इसके अलावा जो लोकटक लेक है मणिपुर का, इसको भी विश्व क्या बोलते हैं वेटलैंड लैंड के रूप में ये विश्व विख्यात है। इस झील को दुनिया भर में अपनी तरह का एक लौता तैरता वन्य प्राणी विहार का दर्जा प्राप्त है। तो बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज या संगठन जो गवर्नमेंट की है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये कंजर्वेशन है तो अपना कार्य कर रही है, जिस पर हमको भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम कंजर्वेशन में अपना योगदान दे सकें।